नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुंदेलखंड के जनपद महोबा में जंगल बचाओ दिवस के रूप में बुंदेली समाज के लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य दिवस पर सड़क के किनारे लगे वृक्षों को साड़ी से बने रक्षा सूत्र बांधे और उनको गले लगाया। साथ ही उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए ईश्वर से बक्सवाहा जंगल को कटने से बचाने के लिए प्रार्थना की। बुंदेली समाज के लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य दिवस पर सड़क के किनारे लगे वृक्षों को साड़ी से बने रक्षा सूत्र बांधे और उनको गले लगाया। साथ ही उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए ईश्वर से बक्सवाहा जंगल को कटने से बचाने के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि इससे पूर्व पर्यावरण दिवस पर बुंदेलों ने प्रधानमंत्री को खून से खत लिखकर बक्सवाहा जंगल को बचाने की गुहार लगाई थी। बुंदेलों ने लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को आज महोबा सहित पूरे बुंदेलखंड में जंगल बचाओ दिवस के रूप में मनाया। बुंदेलों के हाथ में बक्सवाहा जंगल को कटने से बचाना है। हीरा नहीं हरियाली चाहिए, बुंदेलखंड की खुशहाली चाहिए जैसी तख्तियों के साथ महारानी लक्ष्मीबाई की वो तस्वीरें भी थी जिनमें वे अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर तलवार लिए घोड़े पर सवार है। कार्यक्रम सुबह 6 बजे पुलिस लाइन रोड पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने बताया कि एक तरफ सरकार ऑक्सीजन की दिक्कत को दूर करने के लिए भारी रकम खर्च कर ऑक्सीजन प्लांट लगवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर चंद हीरो के लालच में हमारे असली ऑक्सीजन प्लांट यानी जंगल कटवाने पर आमदा है। खंड के गांधी माननीय तारा पाटकर जी के नेतृत्व में जो पृथक बुंदेलखंड की मांग बहुत जोरों से उठाई, उन्होंने आज ये प्रदूषण और पर्यावरण से संबंधित बुंदेलखंड की खुशहाली के लिए जो वृक्ष हैं और बुंदेलखंड की खनिज संपदा और वन संपदा, यही बुंदेलखंड की सबसे बड़ी संपदा है और उसको भी साजिश के तहत काटा जा रहा है, उसके विरोध में जो आवाज़ उठाई, हम सब बुंदेली भाई हमारे बुंदेलखंड के गांधी तारा पाटकर जी के साथ में हैं और पेड़ों को हम लोग किसी सूरत में नहीं कटने देंगे, क्योंकि यही पेड़ आज अभी परिवेक्ष में ऑक्सीजन की कमी आप सभी को मुद्दे नज़र है और इन्हीं पेड़ों से सब लोग कहते हैं कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, अगर एक वृक्ष कटता है तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों का कितना बड़ा नुकसान है। हम लोग तारा पाटकर जी के नेतृत्व में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी सूरत में बक्सवाहा के जंगलों को कटने नहीं देंगे। बीसीएन न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले में पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम मंडल ने हमीरपुर जनपद आकर सदर कोतवाली सहित पुलिस लाइन, पुलिस क्लब और थाना लालपुरा का औचक निरीक्षण कर अपराध के मामलों पर निरीक्षण किया। पुलिस महानिरीक्षक ने कुछ मामलों में पीड़ितों को फोन करके जमीनी हकीकत के मामलों की जांच की। साथ ही बताया कि सदर कोतवाली को मॉडल कोतवाली बनाए जाने को लेकर बजट पास किया जाना है। पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा जनपद हमीरपुर में आकर पुलिस लाइन सभागार में जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी कर अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। महानिरीक्षक अपराध की जमीनी हकीकत जानने के लिए सदर कोतवाली में जाकर अपराध समीक्षा की। अपराध रजिस्टर में सुधार के निर्देश दिए। खासकर महिलाओं के मामले में हो रहे अपराध के लिए सदर कोतवाली में स्थित महिला हेल्प डेस्क में रजिस्टर देखकर निपटाए गए अपराधों के मामलों में संबंधित लोगों को फोन करके जानकारी ली। मामलों पर महानिरीक्षक ने संतुष्टि जाहिर की और कहा शासन की मंशा है कि महिलाओं पर हो रहे अपराधों को तत्परता से निपटाया जाए। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि जल्दी शासन द्वारा स्वीकृत बजट होने पर सदर कोतवाली को मॉडल कोतवाली के रूप में विकसित किया जाएगा। कोतवाली में खंडहर बिल्डिंग को तोड़कर मॉडल कोतवाली बनाए जाने को लेकर नया निर्माण कराया जाना है। आज मैं जनपद हमीरपुर का औचक निरीक्षण में आया था और पहले सभी क्षेत्राधिकारियों के साथ एक मीटिंग की पुलिस लाइन में, उसके बाद कोतवाली थाना का निरीक्षण में आए थे और कोतवाली का पूरा भ्रमण करके हम और SP साहब और एक्शन SP साहब, CO साहब सब लोग साथी थे और यहाँ जो पुराना बिल्डिंग्स है कोतवाली थाने के अंतर्गत उसका कुछ जर्जर हालत में पड़ी हुई है, उसको कंडेमनेशन का कार्रवाई पूर्ण कराने के लिए बताया गया था और साथ में जो साफ सफाई का अच्छा करने के लिए भी कार्यशित कर दिया गया और थाने में जो है जो गाड़ियाँ जो बरामद गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है
उन गाड़ियों का भी कमिटियाँ गठित करके उन कमिटी के माध्यम से पूरा रिपोर्ट प्राप्त करके उसका नियमान सब निस्तारित कराने के लिए भी कहा गया और थाना कार्यालय को चेक किया। थाना कार्यालय के अंतर्गत जो महिला हेल्प डेस्क जो बनी है तो वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने अभी जो महिला हेल्प डेस्क का जो रजिस्टर मैंने चेक किया कुछ बेसन न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बिहार की खबरों की ओर। भागलपुर जिले के रानी दियारा इलाके में गंगा नदी में पानी में वृद्धि होने से कई किसानों की जमीन नदी में समा जाती है। एक तरफ लगातार सरकार यथासंभव कटाव को रोकने के प्रयास कर रही है लेकिन गंगा मैया थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला भागलपुर जिले के फिर प्रखंड तपुआ गांव का बताया जा रहा है जहां पर गंगा में पानी की बढ़ोतरी होने से किसानों की जमीन पर नदी में समा गया होता है। इस पर पीरपैती प्रखंड के विधायक पवन कुमार अधिकारियों के साथ शनिवार को टपुआ गांव इलाके जाकर नदियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि नदी के कटाव से किसान हर वर्ष परेशान रहते हैं जिसको लेकर जायजा लेने के लिए फिर पार्टी के विधायक पवन यादव के साथ स्थानीय अधिकारी भी पहुंचे और ज्यादा लेकर लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इन पर पहल किया जाएगा। बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। शाहपुर पंचायत के पेलापुर दांगुल में गांव में बीती रात लगभग 12 से 1 बजे बीच आग लग गई। घर का मालिक मोहम्मद एजाज अनवर, अरशद रची आदि लोगों ने बताया कि आग लगने का स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहे। आग के लपटे ने काफी तबाही मचाई है जिससे मोहम्मद एजाज की स्कॉर्पियो चल गई। वहीं उसके भाई अरशद की 2 गाय बछड़ा और साथ ही कुल 3 मवेशी भी जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि जलावन घर, मवेशी घर और स्कॉर्पियो रखने का घर तीनों भी एक साथ अटैच में थे जिससे ये सभी सामान कुछ ही मिनटों में जल गए थे। पीड़ित सभी लोग सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। होने वाले थे, होने की तैयारी चल रही थी। एक बार हम बाहर आए थे आग जलने से आधे घंटे मोटा मोटी 15 मिनट पहले और आग लगी 12:15 बजे के तकरीबन। तो ऐसा जब हम 10-15 मिनट पहले यहाँ खाना वाना खा के घूम रहे थे तो ऐसा यहाँ पे कोई सनसनीखेज नहीं मिली थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ है या हमने या जैसे हमारा यहाँ पे स्कॉर्पियो के बगल में थी गाड़ी के बगल में हमारा वो पशुपालन या पशु भी रहता था तो ऐसा वहाँ पे कोई आग का कोई सिस्टम ही नहीं था। जब हम लोग खाने पीने के बाद तैयारी हम मच्छरदानी लगा रहे थे अपना सोने के लिए बेड उड तैयार कर रहे थे तभी तो सोने ही वाले थे कि तकरीबन 12:15 बजे अचानक आग लग गई गाड़ी में। गाड़ी से लेकर जितने भी हमारे पशु वगैरह बकरी थे गाय वगैरह थे सारे जाकर खराब हो गए। तो ये जो हम तहकीकात नहीं कर पा रहे हैं बट ऐसा तो सनसनीखेज नहीं आ रही है अभी इसके बारे में हम तो डिटेल नहीं बता देखेंगे तो क्या अभी देखे नहीं है तो कैसे बता सकते हैं दूसरे के ऊपर कैसे क्लेम कर सकते हैं। गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई है तकरीबन 5-6 गाय थे बकरियाँ 2-3 वो भी जल के खा गए थे लेकिन सर अटैच में जो हमारा वो गाय का अस्तित्व था रहने के लिए वो भी नहीं पूरा बचा। बीसीएन न्यूज़ के लिए कटिहार से विमल कुमार की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।